नमस्कार दोस्तों, तो कल था पोको ब्रांड स्मार्टफोन की तरफ से फ्लिपकार्ट के सेल पे क्या का ऑफर मिलेगा उसका रिविलेशन मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है पोको A5। अभी देखिए ये जो स्मार्टफोन नॉर्मल टाइम में कितने में अवेलेबल है, 28,000 रुपए पे। अभी अगर हम 28,000 रुपए के हिसाब से देखते उस प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 जिसका परफॉर्मेंस एक्जैक्टली स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 के जैसा ही है, मतलब अनटू स्कोरे एक्जैक्टली 10 लाख के आसपास। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये जो फ्लिपकार्ट पे सेल होने वाला है इस सेल के दौरान वही सेम पोको A5 विदाउट कोई कार्ड ऑफर डायरेक्टली आपको मिलेगा एक्जैक्टली 22,000 रुपए पे। तो मतलब समझ सकते जो स्मार्टफोन कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था 28,000 पे वो अभी बिकेगा 22,000 पे, मतलब डायरेक्टली 6,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। और 28,000 रुपए पे पहले ही बोलता बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, और अभी तो 22,000 पे हो चुका है टोटली अल्टीमेट वाला स्मार्टफोन। और अगर आपको अब भी लग रहा है कि 22,000 थोड़ा सा ज्यादा है, अगर थोड़ा सा कम होता तो और भी बेटर रहता, तो आप लोगों के लिए 1,500 रुपए का और भी डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि देख सकते हैं एक कार्ड होने पर इस फोन के ऊपर और भी 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब 22,000 से 1,500 माइनस करेंगे प्राइस हो जाएगा एक्जैक्टली 20,500 रुपए। और अगर आप फ्लिपकार्ट के रेगुलर बायर है तो और भी बढ़िया, क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ सुपर कॉइन जरूर होगा। अगर आप उसे भी माइनस करेंगे तो पोको A5 आसानी से आपको मिल जाएगा एक्जैक्टली 20,000 पे। और अगर हम इसका जो हाइस्ट वेरिएंट उसके बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं उसका प्रोबेबली लॉन्च प्राइस था 30,000 से ज्यादा, लेकिन अभी ये फोन आपको मिलेगा एक्जैक्टली 25,000 पे। और 25,000 पे आपको मिलेगा 12 256 GB। तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिकेशन तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको इसका बाकी स्पेसिफिकेशन देखना है थोड़ा सा फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना, देख लेना, ये चीज समझ लीजिए प्राइस पॉइंट का अल्टीमेट डिवाइस है। लेकिन अभी जो सबसे मेन चीज, क्या हमें पोको A5 का ट्रस्ट करना चाहिए? अब देखिए इधर मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं टोटली आप पास छोड़ूंगा, मैं बस कुछ डेटा दे सकता हूँ। अभी जो पोको के जो स्मार्टफोन रिसेंट टाइम में क्या क्या इशू है, रिसेंट नहीं पिछले 2-3 साल से क्या इशू हो रहा है, चाहे वो पोको की एम सीरीज हो, एफ सीरीज हो या फिर कोई भी सीरीज हो, एक अपडेट के बाद मतलब पर्टिकुलरली कोई ना कोई अपडेट के बाद फोन में स्पेशली जो मदरबोर्ड वो टोटली ऑफ हो रहा है या फिर जो कैमरा ऐप वो टोटली ऑफ हो रहा है। और कैमरा ऐप ऑफ होने का मतलब ये मदरबोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ जगह पे कोई ना कोई इशू होना। तीसरी मैं ये चीज कहना चाहूंगा, फोन तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे बेटर चॉइस और कोई हो नहीं सकता, लेकिन पोको के करेंटली ब्रांड वैल्यू को देखकर मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि क्या हमें इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते कि एज ए टेक यूट्यूबर क्या मैं इस फोन को लेना चाहूंगा, देखिए पोको का पहले का हिस्ट्री बहुत ही बेकार है, लेकिन अगर हम स्पेशली पोको के एफ सीरीज के बारे में बात करें, जैसे कि पोको A4 मैंने खुद इस्तेमाल किया था, पोको A4 में मुझे ऐसा कोई भी मदरबोर्ड रिलेटेड इशू मुझे तो देखने को नहीं मिला, या फिर किसी और के पास से भी मैंने नहीं सुना कि पोको A4 में कोई मदरबोर्ड का इशू आ रहा था। स्पेशली जो मदरबोर्ड का इशू वो हमें मिला था एक सीरीज के अंदर। और अगर मैं जो पोको A5 इसके बारे में बात करें, मैंने भी किसी सब्सक्राइबर की तरफ से या फिर किसी यूट्यूबर की तरफ से इसके खिलाफ कोई मदरबोर्ड का इशू अभी तक मैंने नहीं सुना है। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते तो डेफिनेटली हमें पोको A5 लेना चाहिए। लेकिन जो भी हो एक चीज हमेशा याद रखना, कब कौन से अपडेट के बाद फोन में क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप मुझे कौन से जरूर बता रहे कि पोको A5 जो कि लिटरली अभी आपको मिलेगा एक्जैक्टली 21,000 के आसपास कार्ड ऑफर पे, तो क्या आप इस प्राइस पर इसे लेना चाहेंगे या फिर इसे स्किप करके कोई दूसरा डिवाइस आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।